नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कार्गो मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज जो अपन बात करेंगे कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड की भर्ती की बात करेंगे, जो अभी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा निकाली गई थी। उसके सभी जो फेसेस थे कंप्लीट करवा लिए गए हैं, जिसके अंदर अंदर से फर्स्ट, सेकंड और टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर डीवी भी हो चुका है, और फाइनल लिस्ट यहाँ निकाल दी गई है और ज्वाइनिंग लिस्ट अभी देने की यहाँ पे चर्चा चल रही है। तो इन कैंडिडेट्स को अभी ज्वाइनिंग यहाँ पे मिल जाएगी, यानी मिल दे दी गई है। नियुक्ति आदेश हुए जारी, यानी इनको नियुक्ति के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। 24 मार्च 2020 की ये न्यूज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग देखिए कि ये जो सचिवालय के अंदर जो एलडीसी की भर्ती होनी थी, यानी लिपिक ग्रेड सेकंड की जो पद नियुक्त हुए थे, उनके 307 चयनित कैंडिडेट्स को यहाँ पे नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। तो अपन देखेंगे इसके अंदर जो अथेंटिक न्यूज़ है न्यूज़पेपर की सहायता से, तो आप लोग स्लाइड्स में देख पा रहे होंगे, सचिवालय सेवा में नियुक्ति आदेश हुए जारी। यानी यहाँ पे सचिवालय के अंदर जो सेक्रेटरीट के सर्विसेज के अंदर जो जो अपने कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड की जो नियुक्ति होनी थी, उनके यहाँ पे आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके अंदर से 307 जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे सिलेक्टेड हुए थे, चयनित हुए थे सेक्रेटरीट सर्विसेज के लिए। और ये जो प्रक्रिया है, ये अपने पास में जो अभी हाल ही में बड़ी एक दयनीय कंडीशन यहाँ से अपना कंट्री गुजर रहा है, अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया राजस्थान में लॉकडाउन हटने के बाद शुरू होगी। यानी अब तक अभी जो राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है 31 तारीख तक, 31 मार्च तक ये बताया जा रहा है। हालांकि ये आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन इनकी जो ज्वाइनिंग है कम्प्लीटली 31 के बाद ही इनको मिलेगी। यानी लॉकडाउन जैसे फिनिश होएगा, उसी के बाद में इन चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी, जो सचिवालय सेवा के अंदर ये नियुक्त होंगे। कार्यालयों का विकल्प मांगा है प्रशासनिक सुधार विभाग, क्यों चयनित अभ्यर्थी 25 मार्च 6 बजे तक इच्छित विभागों को भी विकल्पित वरीयता के अनुसार दे सकते हैं। यानी 25 मार्च तक ये विद्यार्थी जो हैं अपनी इच्छा अनुसार विभाग को विकल्प दे सकते हैं कि ये लोग किस विभाग को चूज़ करना चाहते हैं, किस विभाग में ये पोस्टिंग लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने पास में न्यूज़पेपर कटिंग में आपको पढ़ के बता रहा हूँ। लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती 2018 का अंतिम परिणाम जारी करते हुए प्रशासनिक सुधार विभाग की अधीनस्थ कार्यालयों के लिए नॉन टीएसपी 10,232 और टीएसपी एरियाज के लिए 729 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था। इसी प्रकार से सचिवालय सेवा के लिए 335 अभ्यर्थी चुने गए थे। लोक सेवा आयोग को 36 अभ्यर्थी यहाँ पे मिले हैं। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने 14 फरवरी को कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड द्वितीय भर्ती 2018 का अंतिम परिणाम जारी किया है। यह भर्ती 12,419 पदों के लिए आयोजित की गई थी। अंतिम परिणाम जारी करते हुए 11,322 पदों का पर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति यहाँ पे देने की सिफारिश यहाँ पे की है। यानी कुल अगर बात करें तो यह 12,419 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसके अंदर से 11,322 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों को फाइनली सेलेक्ट करके यहाँ पे नियुक्ति देने के आदेश यहाँ पे जारी किए हैं आयोग ने। तो ये अपने पास में थी आज की न्यूज़पेपर कटिंग, जिसको मैंने वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश की। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड्स में अपन बात करेंगे जो नए प्रकार के यहाँ पे प्रेस नोट्स निकले हैं, तो उनकी अपन डिस्कस करेंगे इसी वीडियोज़ के माध्यम से। तो नेक्स्ट स्लाइड्स की आप लोग देख पा रहे होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्त्री रोग यानी गायनेकोलॉजिस्ट भर्ती 2019 में जारी की गई थी। आरपीएससी की चयनित सूची वैध है, हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेन जो सहायक प्रोफेसर स्त्री व प्रसूति रोग भर्ती 2015 के लिए आरपीएससी की 18 मई 2019 की चयन सूची जो थी, वो वैध करार करते हुए अदालत ने 8 मई 2019 के फैसले के पेज नंबर 8 पैरा नंबर 2 के लिए निष्कर्ष को गलत मानते हुए आरपीएससी की स्क्रीनिंग टेस्ट के में पास होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षरता के लिए बुलाने, संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाने और माइग्रेशन के नियम की पालना करके संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के निर्देश यहाँ पे वापस ले लिए हैं। हालांकि उस सूची को इन्होंने कम्प्लीटली सही बताया है। जस्टिस संगीत राज लोढ़ा व महेंद्र कुमार गोयल ने यह आदेश दिए कि आरपीएससी की नो रिव्यू पिटिशन पर दिया गया। अधिवक्ता एमएफएफ बेग ने बताया आरपीएससी के 16 जुलाई 2015 को सहायक प्रोफेसर स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ के 37 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। सिलेक्शन का आधार साक्षरता का रखा गया, यानी इंटरव्यू आपको यहाँ पे पास करना था और इंटरव्यू के हिसाब से यहाँ पे मेरिट लिस्ट भी तैयार कर ली गई थी।
और 18 मई 2018 को सेलेक्ट लिस्ट को रद्द कर दोबारा तैयार करने को यहाँ पे कहा गया था आरपीएससी के द्वारा। तो ये अपने पास में थी, आरपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर स्त्री रोग भर्ती 2015 की, तो उसके लिए भी यहाँ पे हाईकोर्ट ने उस सूची को वैध मानते हुए आरपीएससी को यहाँ पे सूचना प्रोसेस की है। और अपन नेक्स्ट यहाँ पे इसी वीडियोस में नेक्स्ट स्लाइड्स पे अपन देखेंगे और आज की जो न्यूज़ है वो, तो वो उस न्यूज़ को अपन और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड्स देख पा रहे होंगे, नई स्लाइड्स आपके सामने, 3 भर्तियों की तिथियां स्थगित यहाँ पे कर दी गई है कोरोना वायरस के चलते हुए। ये एक बड़ा कदम अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा वापस से लिया गया है, जिसके अंदर जो एग्ज़ाम होने थे अप्रैल माह में उन सभी एग्ज़ाम्स को स्थगित यहाँ पे कर दिया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे मेन स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 बड़ी भर्तियाँ जो यहाँ पे माने सकते हो कि इन भर्तियों के काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी गई थी और काफ़ी दिनों से इनके एग्ज़ाम पेंडिंग चल रहे थे। हालांकि कोरोना वायरस के मद्देनज़र रखते हुए आयोग ने वापस एक बड़ा फैसला लेते हुए इन सभी एग्ज़ामों की परीक्षा को वापस स्थगित यहाँ पे कर दिया गया। आप लोग देख सकते हो 12 अप्रैल को ये जो परीक्षा है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले परीक्षा लाइब्रेरियन की थी, फार्मासिस्ट की थी और आपके पास में अन्वेक्षण भर्ती कृषि विभाग में जो होता है उसकी होनी थी। एग्जाम डेट की बात करें तो 12 अप्रैल को लाइब्रेरियन की होनी थी, 19 अप्रैल को फार्मासिस्ट की होनी थी, 10 मई को यहाँ पे कृषि अन्वेक्षण भर्ती यहाँ पे होनी थी। सभी भर्तियों को यहाँ पे निरस्त तो नहीं किया गया लेकिन स्थगित यहाँ पे कर दिया गया है। जो एग्ज़ाम डेट थी, जो विद्यार्थी अभी तक तैयारी कर रहे थे वो विद्यार्थी लगातार यहाँ पे तैयारी पे लगे रहें, क्योंकि इसकी आगामी डेट जैसे ही आएगी हम लोग आपको वीडियोज़ के माध्यम से यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए अगर मैं बात करूँ लाइब्रेरियन भर्ती की बात करूँ तो यहाँ पे 87,000 और फार्मासिस्ट की बात करें तो करीब 20,000 आवेदन यहाँ पे बोर्ड के द्वारा बताए जा रहे हैं। और परीक्षाओं को स्थगित होने का सबसे बड़ा झटका लाइब्रेरियन परीक्षा के अभ्यर्थियों को लगा। आयोजन 29 दिसंबर 2019 को किया गया था लेकिन पेपर आउट होने की कंडीशन से परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तब से ही अभ्यर्थी की नई तिथि का इंतजार कर रहे थे। परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद उन्हें राहत मिली थी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर बीएल जटावत ने बताया कि तीनों ही परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित यहाँ पे कर दी गई हैं। ऐसा जो अपने बीएल जटावत है जो चेयरमैन है अधीनस्थ बोर्ड के, उनके द्वारा ये कहा गया कि अगले आदेश तक इन सभी भर्तियों को अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे डिसीजन लिया गया है और हालांकि डिसीजन सही भी है, क्योंकि अभी जो कंट्री को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है कोरोना वायरस से कर रहा है। तो सभी कंट्रीज़ में जब सभी स्टेट डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे लॉकडाउन कर दिया गया है 31 मार्च तक। आप लोग देख सकते हो कि एक बड़ी महामारी इसको घोषित कर दिया गया है, एक पैंडामिक डिजीज़ आप लोग उसको कह सकते हो। WHO के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अभी अगर आप लोग देखो तो इसका जो कंडीशंस है, पॉजिटिव जो पेशेंट्स है काफ़ी यहाँ पे मिल रहे हैं और नेगेटिव भी यहाँ पे काफ़ी उन्हीं में से जांच करके नेगेटिव को रिलीव कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हो बड़ी एक पैंडामिक डिजीज़ आप लोग इसको मान के चलो। और आप लोग सभी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग घरों के बाहर ना निकलें, अपने ज़रूरत कार्य जो है वो घर के अंदर ही करें। थैंक यू, सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू, धन्यवाद।